स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उगा सिंह और अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में अगेंस्ट एक डार्करा यूजर। और भाई हमेशा ही बैटल में ना मेरे लिए ऐसा सिचुएशन होता है, सिर्फ डार्करा है बस मेरा पूरा टीम और कुछ नहीं होता। और अगर ये पोकेमॉन टिक गया मतलब मर गया तो मेरे लिए जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बस यही है कि इस टिके हुए बगल लगा के ना जाए। पहला डार्क वर्ड मारा और मेरे पास स्नोरलैक्स तो है नहीं, तो जो भी है उसी का काम चलाना पड़ेगा। जल्दी से स्टीलिंग्स भेजता हूँ क्योंकि उसके पास स्लीप टॉक है और फॉर्चुनेट रहा तो उसका पहला फीचर हिट भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर फीचर लगा ही देता हूँ। और सॉरी हमने स्लीप टॉक लगाया, बंदा बहुत ज़्यादा शाना है, समझ गया कि स्लीप टॉक ही लगाऊंगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के वो ट्रैप कर लिया है। अब जी मूव लगाता हूँ और ये जी मूव हद है यार, मतलब क्या ही फ़ायदा है इतना बेहतर पोकेमॉन हो के जबकि आप उसका सही से इस्तेमाल भी ना कर पाओ अगेंस्ट ए डार्करा। कोई ना, तो अब बस इंतज़ार है कि स्टीलिंग्स कब दब तोड़ेगा, उसके बाद किसी और को भेजेंगे क्योंकि सामने आ चुका है गेंगार। अब तो भाई ये तो और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये तो कर्स लगा देगा। और ये देखो लगाया भी। अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस की है, गेंगार का स्पीड बहुत कम, एचपी बहुत कम है। और मे बी स्पीड ज़्यादा करने के लिए एचपी जो फैटर्स क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप के जो कैरेक्टर होते हैं वहाँ पर चूज़ कर लिया होगा। जी मूव लगा रहा हूँ मैं ताकि गेंगार मर जाए, इतना कम एचपी है तो शायद एक हिट काफ़ी होना चाहिए था। पर जी मूव हमने लगाया वो पड़ा आरकेएस पे और आरकेएस यहाँ पर है तो जल्दी से गेंगार लेके आना बनता है या फिर म्यूटू। म्यूटू लेके आता हूँ ताकि एक बार स्लीप टॉक से स्टिकी वेव गिर जाए, उसके बाद कोई भी पोकेमॉन काफ़ी होगा, लकी होगा तो काफ़ी होगा, अगर कोई तेज़ हो गया तो भाई काफ़ी नहीं होगा। पर जैसे मैंने म्यूटू भेजा और यहाँ पे मैं क्या करूँ क्योंकि मैंने कुछ लगाया नहीं क्योंकि शायद इसका टॉन्ट होगा, तो बस एक और बार स्लीप टॉक लगाते इस बार। ये पड़ा डार्क बॉर्ड, ठीक है एक और बार स्टिकी स्लीप टॉक लगाता हूँ ताकि एक और डार्क बॉर्ड पड़ जाए। पर इसके बाद टॉन्ट है और स्पीड का भी फ़ायदा उसके पास है क्योंकि स्टिकी वेव गिरा हुआ है। हद है यार, बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं जाने देता हूँ स्टीलिंग्स को क्योंकि उसकी एचपी वैसे भी कम हो चुकी है, वो ऑलमोस्ट डेड है। जी मूव ले जाए साथ में, चलो ऐसा नहीं कह सकते कि स्टीलिंग्स काम नहीं आया, एटलीस्ट एक जी मूव तो लिया उसने। और अब देखिए लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास कितने, अब कोई नहीं बचा, बस गेंगार है, बस विलो विस्प लगा सकता हूँ मैं क्योंकि मैं तेज़ तो हो सकता हूँ मे बी। हालांकि स्टिकी वेव गिरा हुआ है पर फिर भी शायद तेज़ हो जाऊँगा मैं। सामने म्यूटू और ये पक्का जी मूव मार ही देगा, तो मैं जल्दी से लेके आता हूँ अपने डार्करा को क्योंकि डार्क टाइप वाटर ठीक है, डार्क टाइप जी मूव या फिर डार्क टाइम मूव ज़्यादा असर नहीं करेंगे मेरे म्यूटू पे। और मैंने देखा इसके पास शायद इसने टॉन्ट हटा दिया तो मैं स्टिकी वेव लगा रहा हूँ, नहीं इसके पास टॉन्ट है। अब मेरे को लगा भाई तब से इस्तेमाल नहीं करा ऐसे हटा दिया होगा, अब क्या पता, पर नहीं बंदा रेडी है। और ये पड़ा जी मूव और जी मूव जानबूझ के वेस्ट किया गया ताकि मैं स्टिकी वेव ना डाल पाऊँ। और ये कन्फ्यूजन भाई, एक नॉकआउट भी पड़ जाए तो काफ़ी होगा, वो एक बार ही पड़ जाएगा तो काम हो जाएगा मेरा, पर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। हद है यार, अब एक ही जरिया बचता है हमारे पास, मोबाइल लेके आ रहा और टपाटप करने की कोशिश करते हैं। मतलब अब कोई बचा नहीं है, बस अटैकर आखिरी यही बचा है तो यही कुछ कर पाएगा। तो मैं जीमू लगा रहा हूँ और ये डेस्टिनी बॉन्ड। हद है यार, ये बंदा मेरे को पेल गया, बहुत इजीली वाइप आउट कर गया हमको क्योंकि सारे पोकेमॉन खा गया, तीन ही पोकेमॉन बचे हैं और ये सामने डाक रहा है तो गेम ओवर है। अगर ये डाक बॉन्ड मिस हो जाता है तो शायद सल्गैली संभाल लेगा ऑब्वियसली, पर अगर नहीं होता है तो गेम ओवर है, चांस नहीं होगा हमारे पास जीतने का, कोई भी चांस नहीं होगा। पर ये हिट हो गया, खेल खत्म है। अब बेकार में आप लोग या फिर मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा, तो मैंने यहाँ पर स्केप कर दिया और इसका इंतज़ार करते हैं रीमैच में। ये हुआ रीमैच जहाँ पर मैंने जी मूव लगाया और डार्क बॉर्ड पड़ गया गेंगार पे। रीमैच में भी यही होप कर रहा था कि बस कैसे भी मेरे को एक बार मौका मिल जाए डार्करा को नॉकआउट करने का, उसके बाद मेरे पास काफ़ी पोकेमॉन्स है जो काम कर सकते हैं। मैंने जल्दी से भेजा अपने डार्करा को और सामने वाला डार्करा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहा है, मैं नॉकऑफ लगा था, उसे लग रहा होगा मैं स्लीप टॉक लगाऊंगा पर नहीं, एक बार मैं फंस चुका हूँ वो चीज़ करके, तो हमने लगा दिया नॉक ऑफ। अब मैं लगा रहा हूँ जीमो, बस जीमो पड़ जाए हम पे बड़ा डार्क बॉयड, पर वो मिस हो गया और ये ठिकाने पे। अरे यार ठीक है, डार्क राय फाइनली डेड हो चुका है, मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक और नॉक ऑफ ठीक है। अब मैं बस टिकी वेब डाल रहा हूँ क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर का असर हम पे अभी भी है तो मेरे को उस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये फाइनली हट भी चुका है तो मैं जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ क्योंकि ये स्लीप है, ये उठ भी जाएगा, ऊपर से डार्क राय को मार भी देगा। अब क्या पता अगर मैं मोबाइल लेके आता हूँ ये लगे यहाँ तो उठ भी जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि इसमें नॉकआउट पड़ चुका है, तो ये मेरे गेंगार से ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा, मेरे गेंगार से ज़्यादा तेज़ होगा नहीं, ये बात का मेरे को भरोसा है। अब मैं उठ भी चुका हूँ, अब मैं स्टार्टिंग से ही टॉन्ट लगा देता हूँ, अब मेरे को लग रहा है ऐसा डार्क बोर्ड आएगा तो टॉन्ट लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमने टॉन्ट लगाया और ये स्ट्रगल, ये हुई ना बात। अब जी मूव और ये गेम ओवर है, फाइनली डार्क राइड डड्डे। अब मैं यहाँ पे गेम चेंज कर दूंगा पक्का, अब मेरे पास मेरे को रुकने वाला कोई नहीं होगा, मोबाइल ही काफ़ी होना चाहिए, स्टिक वेव गिर चुका है और गेम पूरी तरह से मेरे हित में जा रही है, तो बस मेरे को यहाँ पे एक स्टाम्प लगा देना है जीत का।
ये भेजा मैंने मोबाइल, बस वो डार्क वर्ड मिस हो गया, नहीं तो जीतना इम्पॉसिबल ही होता। मतलब डार्क राय के अगेंस्ट इसी चीज़ का इंतजार करता हूँ, कब उसका डार्क वर्ड हिट मतलब मिस हो और कब मेरा हिट हो, उसके बाद हमारा कोई भी एक पोकेमॉन काफ़ी होगा। एक जी मूव म्यूटू डेड है, नेक्स्ट पोकेमॉन का इंतजार है, देखते हैं कौन होगा। यहाँ पर आया गेंगार, ऑब्वियस डेस्टिनी बॉन्ड लगाने की होगी फिर से कोशिश, पर हम तेज़ हैं तो क्या पता क्या हो। हमने आयरन हेड लगाया और गेंगार भी डेड है, सब आएंगे और जाएंगे, बस गेम इधर ही ओवर है और बंदा जा चुका है। नेक्स्ट बैटल हमारा इस बंदे से था और ये डोमिनेटिंग था यार, मतलब टीम मत देखो, बंदे की स्टाइटल मतलब बैटल स्टाइल देखना ज़्यादा अच्छी रहेगी। हमने भेजा अपने गेंगार को और वो भेजता है अपने मोबाइल को। मैं यहाँ पर एक लूँगा नहीं, क्या पता जीमू पहले हिट में आ जाए और गेंगार खा जाए, क्योंकि मैंने देखा हुआ इसका फोर्ट्रेस है तो आगे चल के गेंगार बहुत हेल्प करेगा अगेंस्ट फोर्ट्रेस। तो मैंने स्टीलिंग्स भेज दिया ताकि पहला जीमू ले ले और ऐसे ही हुआ, पहले जीमू आया। मैं यहाँ पर फिशर लगा सकता हूँ पर ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा अगर मैं फिशर ही लगा देता हूँ तो मैं जल्दी से पोकेमॉन बदल के लेके आता हूँ गेंगार को। मेरे को लगा जल्दी से फोर्ट्रेस आएगा, ऑब्वियसली सारे स्टेलर्स यही करते हैं, पर ये बंदा ऐसा नहीं कर रहा था, ये स्वॉर्ड डांस किए जा रहा था। मे बी इसके पास कुछ खास है और मैं शायद कुछ अलग देख रहा हूँ या मोबाइल के पास अपना लैपटॉप था, मेरे को नहीं पता, आप यहाँ पर देखना ध्यान से। हाँ उसके बाद लैपटॉप है भाई, ये क्या देख लिया मैंने, मोबाइल पे लैपटॉप आज तक मैंने नहीं देखा था। हाँ शायद मैंने एक बार देखा था, एक दो बार देखा है। हद है यार, मतलब ये भाई तो कुछ अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है सारी चीज़ें। हमने फ्लेम चार्ज लगाया और क्या यहाँ पे फाउल प्ले पड़ेगा, तगड़ा डैमेज दे रहा है फाउल प्ले, बंदे का अटैक बहुत ज़्यादा है तो इसको शायद अटैक की ज़रूरत है नहीं। लैपटॉप डाला हुआ है, इतनी तगड़ी HP और उसके बाद मोबाइल का डिफेंस भी बहुत अच्छा होता है, R7 वाले को तो और ज़्यादा होता है। ये R7 नहीं है पर फिर भी स्ट्रॉन्ग होगा, इतना ज़्यादा HP ऊपर से इतना तगड़ा होल्ड आइटम आपने डाल दिया उस पर, मतलब क्या सूझा होगा बंदे के दिमाग में कि उसने लैपटॉप्स डाल दिए मोबाइल पे, पता नहीं यार, मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ। ये तो कुछ अलग ही लेवल की थिंकिंग थी भाई, सच बता रहा हूँ। और बंदा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा नूब स्टाइल से लड़ रहा था या फिर वो ज़्यादा प्रो बन रहा था। अब जब जब मैं गेंगार लेके आ रहा हूँ कि एक मौका मेरे को मिल जाए, मेरे को लग रहा था एरोडैक्टिल वर्सेस लैथ्रॉक्स होगा और उसका फ़ायदा उठाएगा। मैंने सोचा जल्दी से टॉन्ट लगा के नॉक ऑफ और उलेस मार सकता हूँ और इसका जीमू भी ठीक ठाक डैमेज दे देता है, ऑफ शूट पे पड़ेगा तो हाँ शायद मार दे, पर फिर भी ट्राई करना बनता है। एक और बार मैं गेंगार लेके आता हूँ, मैं बस इंतजार कर रहा था कब एक मूव वो कुछ इस्तेमाल करे, जैसे कि रोर हट के या फिर रोर के बिना कुछ अलग ट्राई करे, पर नहीं, बंदा बार बार रोर रहा, बार बार रोर। अब मैं फाइनली एक और बार गेंगार लेके आता हूँ, बस एक बार इंतजार है कि कब एरोडैक्टिल पकड़ में आ जाए और मैं जीमू इस पर लगा पाऊँ ताकि पॉइजन हो जाए। नॉक ऑफ उलेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं या फिर पड़ जाएगी, ये हद है यार। कौन तेज होगा, एरोडैक्टिल सूट टाइप या फिर मेरा ऑफ शूट गेंगार? मेरा ऑफ शूट गेंगार ऑब्वियसली तेज होगा। एरोडैक्टिल बहुत तेज़ होता है यार, मैं अभी ग्रीन एरोडैक्टिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना वो गॉड लेवल स्पीड होगा उसका, मैं सच बता रहा हूँ। एक बार अगर वो मेगा बन गया ना तो मेरा मेगा में ही कई डार्क राय इसको ओवरटेक कर जाएगा, आर2 तो दूर की बात है। हमने जीमू लगाया और फोर्ट्रेस पे वेस्ट हो गया, काइंड ऑफ समझ सकते हो वेस्ट हो गया, पर फिर भी ठीक ही है, मतलब जितना भी हो सकता था दिया हमने। अब मैं जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ, फोर्ट्रेस पकड़ में आ जाए, मैं नहीं चाहता ये स्पाइक्स लगाए और हमारे हत्ते से निकल जाए। सामने आ चुका है एरोडैक्टिल, तो मैं यही चाहता था, मैं यहाँ पर जीमू लगा सकता हूँ तो ये मैंने लगा दिया जीमू, कुछ भी हो बस इसको पॉइजन इफेक्ट हो जाए और ये हो गया है फाइनली, मेरा काम यहाँ पर हो चुका है, मेरे को ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत है नहीं। और अगर मेरा मोबाइल भी यहाँ पर उतरता है तो मैं एक आयरन हेड लगा के इसको डैमेज दे सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर स्वॉर्ड डांस करना पसंद करूँगा क्योंकि मेरे को लग रहा है फोर्ट्रेस आएगा, अगर फोर्ट्रेस आएगा तो उसे मार पाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर फिर से गेंगार लेके आता हूँ तो क्या पता रोड फिर से लगा दे। तो ये देखो अच्छी बात है कि फोर्ट्रेस सामने है, उसके पास भी लैपटॉप्स है, मोबाइल पे भी लैपटॉप्स है, फोर्ट्रेस पे भी लैपटॉप्स है, बंदे के पास कितने लैपटॉप्स हैं यार, मतलब लिटरली हमें एक लैपटॉप्स लेने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था। सामने एरोडैक्टिल आया और एरोडैक्टिल गया, कोई ना, एरोडैक्टिल फाइनली जा चुका है, मतलब इंटीमिडेट एबिलिटी जो रन कर रहा था वो ख़त्म हो चुका है, तो मेरे पास अभी चांस है कि मैं फोर्ट्रेस को पकड़ लूँ, हत्ते चढ़ जाए वो। सामने टरानटोर है, इसका एक डार्क टाइप जी मूव है, तगड़ा डैमेज ये भी देगा क्योंकि पोकेमॉन ये भी तगड़ा है, तो मैं डार्क टाइप पोकेमॉन मेरे पास एक टीम में है तो उसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं भेजता हूँ अपने डार्क राय को, डार्क टाइप पोकेमॉन है, डार्क टाइप मूव झेल सकता है, स्टील टाइप पोकेमॉन है, रॉक टाइप मूव भी झेल सकता है, और अगर नॉक ऑफ डाल दिया तो ये पेल भी सकता है, सुला सकता है वैसे, मेरे को बस स्टिक वेव डालना है, उसके बाद तो बाकी सब काम गेंगारी कर देगा। ये मैंने यहाँ पर जी मूव लगाया ताकि डार्क बोर्ड मेरे बहुत मिस होते हैं, मैं नहीं चाहता मिस हो जाए। तो टरंट और है स्लीप में, पर ये बंदा चला गया, पर हाँ मज़ा आया बैटल करके। तो गाइस को वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।